D5 चैनल पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं रमनदीप कौर। इस वेले की वड्डी खबर लखीमपुर खीरी मामले नाल जुड़ी हुई सामने आ रही है। लखीमपुर खीरी मामले के दोषी आशीष मिश्रा को इलाहाबाद कोर्ट वालों जमानत दी गई है। इस सारे मामले के विचार चर्चा करने लिए मेरे नाल सीनियर एडिटर जसपाल सिंह ढिल्लों जी जुड़ चुके हैं। उन्हां तों जानदे हां उन्हां दा इस मामले बारे की कहना। लखीमपुर खीरी घटना सी 3 अक्तूबर नूं जदों कुछ किसान धरना दे के वापस परत रहे सन, केंद्रीय गृह राज मंत्री अजय मिश्रा टोनी दे एक सपूत कमता सपूतों वाले है नहीं, वो उन्हें एक साजिश तहत इन्हां किसानां दे उत्ते जीप चढ़ा दित्ती, जिदे विच पत्रकार कुल 8 लोग मारे गए, 4 किसान भी सन, 3 होर वो शायद भारतीय जनता पार्टी के कारकुन से क्योंकि उत्थे हफड़ दफड़ी बड़ी मची। उस वेले तो लैके आशीष मिश्रा नूं बचाउण दे बड़े जतन होए, बड़े ढंग तरीके अपनाए गए। जदों मानयोग सर्वोच्च अदालत के मुख्य जज मानयोग NB रमन्ना साहब ने सख्त टिप्पणियां कीतियां तां इस अजय मिश्रा टोनी दे पुत्र आशीष मिश्रा नूं गिरफ़्तार यूपी दी पुलिस नूं करना पिया। पहला उन्होंने बहुत खेखन दिखाए, लेकिन जदों बाहर ना चली फिर उन्होंने आखिर उसनों गिरफ़्तार करना पिया। जदों रमनदीप कौर बंदा गिरफ़्तार हो जाए, आम तौर पर केस अजिहे कई कई साल चलते ने, तो उस बंदे का एक कानून अधिकार है कि उन्होंने जमानत ते रिहा किया जा सकता है। जिहड़े बंदे की जमानत ली जाती है उसकी जिम्मेवारी होंदी है कि जे कल लोड़ पै जाए तो इसनू फड़ के लिया जाए। पहला जिला ते सैशन जज लखीमपुर खीरी दे कोले दी जमानत अर्जी लाई गई, वो रद्द हो गई। उदू पहला उन्होंने अगाऊ जमानत दीआं अर्जियां भी लाइयां जिहड़ियां रद्द होईआं। केस पता नहीं किन्ना चिर चला, जिहदे करके इलाहाबाद जिहनूं अजकल प्रग्या राज कहिंदे ने, उस दी हाई कोर्ट ने इहनूं जमानत देती, क्योंकि जे हेठली अदालत तो जमानत रद्द हो जाए तो शायद 3 महीने का समा हुंदा तुसी उच्च अदालत च जाके अपनी अपील पा सकती हो। जे इत्थों भी यह खारज हो जाती तो फिर इन्हां कोल सुप्रीम कोर्ट का रास्ता सी। जदों कोई व्यक्ति गिरफ़्तार हुंदा सज़ा ना होवे, जदों सज़ा हो जाए फिर उसनों पक्के कैदियों के बदल दिता जाता, उदों तक इन्हों विचार अधीन कैदी जां हवालाती कहा जाता है। सो इस जिहड़ा आशीष मिश्रे नूं हाई कोर्ट ने जमानत दे दित्ती है, हो सकता है जिहड़ियां दूजियां धिरां ने किसान पक्षी धिरां ने वो इहदी इह जमानत रद्द कराउण वास्ते मानयोग सुप्रीम कोर्ट विच भी जा सकदियां, उन्हां कोल खुल्ला बदला है। लेकिन जिहड़ी जमानत हुई है कोई नवीं गल नहीं, कानूनी तौर दे उत्ते जिवें सिरसे वाले उहनूं डेरा मुखी नूं जमानत अपना पैरोल मिली है, वह भी उहदा कानूनी अधिकार सी जिहदी वरतों की गई है। इत्थे भी जमानत लैना उहदा कानूनी अधिकार है। ये अदालत ने देखना हुंदा कि जां एजेंसियां ने जाके दसना हुंदा कि बाहर जाके ये गवाहां नूं कितें मुकरा तां नहीं देवेगा, कलू समस्या आवे तो केस साबित करना औखा हो जाए। अजिही स्थिति दे विच जे कोई भी गलबात अदालत कोल जांदी है तो यह जमानत अर्जी रद्द भी हो सकती है। दस दें कि 3 अक्तूबर को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हुई सी, जिस दे विच आशीष मिश्रा को गिरफ़्तार किया गया सी ते अज उन्हां नूं जमानत दी गई है। होर नवी अपडेट्स नाल फिर हाजिर होवांगे, तद तक लई दिओ इजाजत, धन्यवाद। D5 चैनल पंजाबी हुणे सबसक्राइब करो, बैल आइकन ते क्लिक करो। की हुंदी है जमाबंदी, किवें बणदी है वसीयत, जमीन जायदाद के हर मसले ते करांगे चर्चा। देखना ना भुलना साडा खास प्रोग्राम नायब तहसीलदार.com कानून जायदाद का।